अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना वीकेंड जो है वो अच्छी तरह एंजॉय भी किया होगा। और माशाल्लाह आप लोगों ने जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो अल्लाह का शुक्र है, और आप सबने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं और आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर और इम्प्रूव करेंगे आगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बस हम 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स भी हैं वो भी ज्वाइन कर लें। तो आज हम जिस चीज़ पे काम करेंगे और जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसका स्नैरियो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि उसका थीम क्या है। उसका थीम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी में हायर हो गए, ओके, उन्होंने आपको एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर लिया अपने पास, ओके okay? और अब वो आपको जो आपका क्लाइंट है, जो आपका मैनेजर है, ठीक है, या आपका जो सीईओ है, वो आपको कहता है कि मैं एक पोस्ट डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ आपसे। किस लिए? आप कहोगे, उसे आंसर करोगे, जनाब आप कैसी पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं? तो वो आपसे कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर कह लें आप, ठीक है, क्लाइंट सपोर्ट या कोई भी, मतलब हमें सपोर्ट के लिए हमें एजेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, उनको हमने हायर करना है। उसके लिए मुझे सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए जो आप हमारे पेज पे लगाएंगे ना, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे होंगे। तो अब आपने जो आज हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, वो हमने इस सोच से बनाना है कि हमने अपना जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा सीईओ है, हमने जो हम उस एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हम उनके अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं सोशल, तो हमने बेसिकली एक कस्टमर सपोर्ट के लिए जो एजेंट्स होते हैं उनको हायर करना है। उसके लिए पोस्ट बनानी है हमने कि लोग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो पोस्ट देख के उनको ये अंदाज़ा हो कि हम हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए हायरिंग कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। कुछ सिनेरियोज में हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सिनेरियोज में हम बताना नहीं चाहते, वो डिपेंड करता है हमारे मैनेजर के ऊपर, हमारे सीईओ के ऊपर, वो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। सो डिज़ाइन बनाने से पहले जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए, तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हमने डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कहा जाता है, उससे पहले हम लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ देखनी है और उससे जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हमने उससे लेनी है कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है। आपने उसका माइंड को रीड करना है कि वो क्या चाहता है हमसे। तो आज जिस सिनेरियो पे हमने, आज जिस थीम पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है, हम एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जो कि पोस्ट होगी एक हायरिंग के लिए, एक कंपनी ने जो हायर करना है अपने पास कुछ न्यू रिसोर्सेज उनके लिए। तो मैं आपको अपना एक कैनवा पे हम चलते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा भी सकूँ। जी आपका सामा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो आपने उर्दू अल्फ़ाबेट्स की बात की है, आप जो कीबोर्ड आपको बेसिकली उसके लिए उर्दू रिक्वायर्ड होता है, अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड हो तो आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास, और देन आपके पास लिमिटेड फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश इन कैनवा, तो आप उसको यूज़ करते हुए अपने पास वो डिज़ाइन जो है बना सकते हो।
ठीक है। भी पढ़ ले। तो अभी आप सबके पास मेरी स्क्रीन अवेलेबल होगी जो कि कैनवा की होम स्क्रीन है, ठीक है। और आप में से जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं साथ वो कर भी सकते हैं, और अगर आपका फोकस पूरा आप इस क्लास पे रखना चाहते हैं तब भी, इट्स अप टू यू। तो आज हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसकी जो हम डायमेंशंस रखेंगे वो क्रिएटर डिज़ाइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो मैं अपनी डायमेंशन आज सेलेक्ट करूँगा फेसबुक पोस्ट, ठीक है, जो कि एक फेसबुक पे रेगुलर आप पोस्ट देखते हैं जो कि एक लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है, स्क्वेयर फॉर्मेट नहीं होती, वो एक लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है आपके पास। तो आप उसको यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक फेसबुक लैंडस्केप की पोस्ट के ऊपर जो कि आपके पास राइट नाउ मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। राइट, अब ये आपके पास जो डिज़ाइन है ये बेसिकली फेसबुक की जो आपके पास लैंडस्केप पोस्ट की डायमेंशन है ये उसके लिए है, ठीक है। आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम किस थीम के ऊपर डिज़ाइन करने लगे हैं। राइट, आप सबको आइडिया हो चुका है कि हम आज क्या डिज़ाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं डिज़ाइन। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, और बैकग्राउंड चूज़ करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे माइंड में आज है कि हम लोगों ने एक ऐसी पोस्ट बनानी है अपने क्लाइंट के लिए जो कि हमने उसके एज अ सोशल मीडिया मैनेजर उसके अकाउंट पे हम लोगों ने पोस्ट करनी है, ठीक है। और वो है बेसिकली फॉर द हायरिंग पर्पस, ठीक है, हम रिसोर्स को हायर करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब आपको एक जनरल कलर की भी हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी साथ साथ लेते जाएंगे कि हम लोग जो कलर चूज़ करेंगे ना वो हमने ऐसा चूज़ करना है जो कि अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो और वेलकमिंग हो, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है बेसिकली ये बेसिकली ऐसा कलर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और एक हमें फील लुक जो है, जो हमें फील है वो पॉजिटिव फील देता है। ओके, सो जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो एक पॉजिटिव फील के साथ उसको आगे मैसेज डिलीवर करना चाहिए। तो हम लोग आज अपना जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो होगा ब्लू शेड के साथ, सॉरी ग्रीन शेड के साथ, ताकि वो हमारी जो फील है वो हमें एक ग्रीन फील मतलब अपीलिंग फील दे। ओके, सो वी कैन सेलेक्ट कलर जो कि थोड़ा सा ब्लू ग्रीन हो लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो। राइट, तो आप अभी मेरा जो बैकग्राउंड है आपने देखा है कि हम लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, और जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है विद सम शेड जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि हम लोग कुछ अपीलिंग सा, कुछ अट्रैक्टिव सा बना रहे हैं और जो कि हमारी आइज़ को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव इमेज स्प्रेड कर रहा हो, ठीक है। कलर स्कीम इज़ वेरी इसेंशियल, ठीक है, जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं अगर हम यहाँ पॉजिटिव इमेज देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पॉजिटिवली हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ग्रीन कलर और ऐसे कलर यूज़ करते हैं जो कि रिफ्रेशनेस को, नेचर को, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है जो हम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली कस्टमर सपोर्ट एजेंट के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है, एक अच्छा टाइटल अगर हम उनके लिए यूज़ करें तो। अब एज अ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट अगर हम हायर करना चाहते हैं और उसके लिए हम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए अब मैं सोचता हूँ जो मैंने अपने माइंड में, हमने एक जैसे कि एक हम पहले डिज़ाइन अपने माइंड में बनाते हैं देन हम उसको टूल के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने फ्रेम यूज़ किया था तो पहले हमने फ्रेम्स अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किए थे, आज हम देखेंगे कि फ्रेम्स की और कौन सी टाइप्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव करने के लिए। तो आप फ्रेम्स के सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है, और सी ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और आज जो हम फ्रेम यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। ओके, लाइक यू कैन से, या हम सेल फोन भी यूज़ कर सकते हैं और हम ये भी जो पोस्ट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रेम है वो अवेलेबल है, और जैसे ही ये लोड हो जाए तो ये हमें एक फ्रेम प्रोवाइड कर देगा राइट नाउ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको इस वक्त। अब हम लोगों ने जैसे कि हमने बात डिज़ाइन
डिसाइड किए कि हम लोगों ने एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए हमने एक बनाना डिज़ाइन, तो हम उसको देखेंगे कि आज हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपनी पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। और हम अगर आज इसमें से ये भी ले सकते हैं और हम लोग ये भी ले सकते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो लेट्स रिसाइज, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया है जो कि फ्रेम है, और आपने आज से पहले अल्फाबेट देखे थे जो हम यूज़ करे थे एज अ फ्रेम, ठीक है, लेकिन अब आपने देखा है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेम। जैसे कि आज जो हम लोग यूज़ करेंगे वो एक सेलफोन का फ्रेम है, ठीक है, और अब इसके अंदर हम जो इमेज यूज़ करेंगे उसकी इसके साथ इस पोस्ट के साथ रेलिवेंसी क्रिएट करना और रेलिवेंट इमेज चूज़ करना, राइट इमेज चूज़ करना इज़ वेरी इसेंशियल। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि हम हायरिंग पोस्ट रिसोर्स को हायर करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट को हायर करने के लिए ये पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब जो हम यहाँ से इमेज सिलेक्ट करेंगे उस इमेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे इमेजेस आती हैं और वो हमारे पास रेलिवेंट इमेजेस आती है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है जो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी जो बात होती है, उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उनका जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर के साथ कस्टमर को सपोर्ट करना होता है। मतलब उन्होंने कस्टमर की कोई भी कंपनी है, अगर उनके किसी पर्सन को कोई मसला आता है जो उनके यूज़र्स होते हैं, तो वो उनकी सपोर्ट्स के से रब्ता करते हैं, और जब उनकी सपोर्ट से रब्ता करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट जो उनका स्टाफ होता है वो उनको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो हम उनके लिए इस तरह की इमेजेस जो होती हैं वो यूज़ करते हैं जो कि कस्टमर्स, ये इमेज आपको खुद बता रही है कि हम इस वक्त कस्टमर सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, ये इमेज कस्टमर सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फ्रेम में एडजस्ट करना चाहूँ तो जैसे ही मैं इसको इसको पिक करके इसके अंदर लाऊंगा तो इसने उसको उसके अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि वो उसकी जो इमेज है वो उसके अंदर उस तरह नहीं है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे ताकि जो अपेयरेंस है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ही डिफाइन कर रही है कि हम लोगों ने ये जो इमेज हम बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। आपकी एक इमेज खुद डिस्क्रिप्टिव है। अभी आप ये देखें कि आपने इस पूरी डिज़ाइन के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर कोई एक भी हेडिंग अभी ऐड नहीं की, राइट, लेकिन आपको सिर्फ अभी ये इमेज ही बता रही है कि ये इमेज क्या कर रही है, ये इमेज किस लिए है, ठीक है। ये खुद इतनी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है कि ये आपको देख के बता रही है कि ये किस लिए हो सकती है, ठीक है। तो हमने हमेशा डिज़ाइन ऐसा बनाना है कि इमेजेस हमने उस चीज़ के अकॉर्डिंग बनानी है जिस चीज़ के लिए हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए बना रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने हायर करना है जी। मैं आपको फ्रेम कैसे, हमें हमने पिक्चर कैसे ऐड की मैं आपको बता देता हूँ वंस अगेन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेम में सेलेक्ट, मैं इसको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ इमेज को ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। हमने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इमेज जिस तरह की भी लिखनी थी मैंने उसके लिए एक टाइटल लिखा, जो मुझे इमेज रिक्वायर्ड थी, मैंने एंटर किया, मेरे पास इमेजेस आई, उसमें से मैंने ये इमेज मैंने चूज़ की, और जैसे ही मैं इस इमेज को ला कर इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये मुझे एडजस्ट करने के लिए उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी इमेज जो है वो एडजस्ट तो है, लेकिन उसको मेरे पास उसको मैंने उसको अलाइन करना था अकॉर्डिंग टू माई फ्रेम, तो मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो उसने मुझे ये ड्रैग का ऑप्शन दे दिया, जिसकी वजह से मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी तक, यहाँ तक आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपने अभी ज्वाइन किया, ओके, ये हम बेसिकली कैनवा को यूज़ कर रहे हैं, और आपको ये जितना भी हम कोर्स हम पढ़ेंगे कैनवा के ऊपर, कैनवा एज अ कैनवा डिज़ाइनर, जैसे इस पोस्ट का नाम ही है, इस कोर्स का नाम ही है, तो हम बेसिकली कैनवा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मज़ीद आपको ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, देन आपको डिफाइन कर देंगे आफ्टर क्लास, ठीक है। अभी आप कंटिन्यू करें विद द क्लास, और अफाक आप अपना जो माइक है उसको
सर मैं सवाल करना चाह रहा जी हूँ जी जी करें सर, सर ये पिक्चर एडजस्ट करने का समय नहीं लगा। पिक्चर एडजस्ट करने का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे ही हमारे पास फ्रेम था, फ्रेम के ऊपर हमें, फ्रेम होता क्या है, फ्रेम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम कोई भी इमेज अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेज, सबसे पहले एक फ्रेम लिया और हमने मोबाइल जो शेप था उसमें फ्रेम लिया। देन हम लोगों ने इमेज जो हमें रिक्वायर्ड थी, हमने एज अ कस्टमर सर्विस यहाँ पर जाकर टाइप किया, हमारे पास इमेज आ गई। और अब हमने जब इमेज को इस फ्रेम के अंदर फिट करना था, तो मैंने जो इमेज थी जस्ट उसको पिक किया यहाँ से और उसको ड्रैग कर लिया अपने पास इस फ्रेम के अंदर। तो उसने मुझे उस फ्रेम के अंदर जो है उसको एडजस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबका आई होप क्लियर है, अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके राइट, मींस अभी तक हमें कोई मसला नहीं है। ओके अब हम चलते हैं कि हम करना क्या चाह रहे थे यहाँ पर। अब हम इसके लिए हेडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम अपने टेक्स्ट के एरिया पे मूव होते हैं और यहाँ पर लिखते हैं द हेडिंग। ओके और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं जनाब हायरिंग। ओके और हायरिंग कर रहे हैं हम, इसको अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके लिए हम जो कुछ फॉन्ट है, लाइक अगर मैं, हमारे पास कुछ ऐसे हों के अट्रैक्टिव सारा लुक दे, तो हम उसके लिए कुछ फॉन्ट सर्च कर लेते हैं जो कि उसको रिस्पॉन्ड करें। और अगर आप इसको, हम यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर चेंज करना है, हम इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और हायरिंग भी आ गया, लेकिन हमें इसका कुछ फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। तो फॉन्ट साइज़ के लिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ फॉन्ट्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और हम वो फॉन्ट्स जो हैं उसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी जो हेडिंग्स हैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सर क्या इस फॉन्ट में, तो हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग इसका साइज़ भी चेंज करेंगे आगे जाकर। जी फॉन्ट्स इसके ऊपर अब्दुल्ला ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास मल्टीपल इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, आप उसको यूज़ करते हुए आराम से अपना कोई भी डिज़ाइन जो है, लिमिटेड बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, आप उसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉन्ट्स आ जाएंगे और आप उस फॉन्ट के साथ यहाँ पर इसको कोई भी जो फॉन्ट है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये हमारे पास मेन हेडिंग है और ये एक रिप्रेजेंट करिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसका साइज़ अकॉर्डिंगली रख लेंगे यहाँ पर। और अगर मैं इसको रख देता हूँ हायरिंग, ठीक है, हम इसको लेटर ऑन हम इसका स्टाइल और इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक और इसमें एक सब हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक हम लोग किस पोस्ट के लिए हायर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। ओके और हम लोगों ने अब इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है और टाइपोग्राफी है उसको अपने सामने रखना है कि हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हम लोग इसका साइज़ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने वाइट स्पेस भी रिक्वायर्ड रखनी है जो हमारे पास हो, और दोनों साइडों से, ताकि हमारे पास जो स्पेसिंग है वो भी रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़रूरी है। और ये अब हमारे पास हो गया हायरिंग एंड देन कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। अभी तक हमारा जो ये डिज़ाइन है ये बता रहा है कि हम लोगों की ये पोस्ट किस लिए बन रही है, ठीक है। हायरिंग है, हम हायरिंग करना चाह रहे हैं और हम लोग कर किसके लिए रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। और अब हम आगे, हमारे पास जो सिनेरियो बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल अपनी पोस्ट जो हैं, वैकेंसीज जो हैं, बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो सिनेरियो, हम उसमें ये समझ लेते हैं आपकी क्रॉप पिक एडजस्ट नहीं हो रही है। ओके आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोग को पिक्चर का बता देता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पिक्चर एक दफ़ा। अगर मैं इस पिक, ये जो पिक्चर है बेसिकली, इस पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही मैंने सबसे पहले वहाँ से पिक कर लिया पिक्चर, ठीक है,
उस पिक्चर को मैं जब यहाँ पे लेके आता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरी पिक्चर जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ऐसे है, ठीक है, अब आप देखें कि ये पिक्चर जो है ये राइट अपनी पोजीशन पर नहीं है और मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, इस पिक्चर को एडजस्ट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई फ्रेम। मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा इमेज के ऊपर, ठीक है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, सेंटर में जाकर इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ओके। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, इसने मुझे इसकी ड्रैग करने की ऑप्शन दे दी है और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंगली मैंने उसको एडजस्ट कर लिया जैसा कि मैं चाहता था अपनी पोज के दौरान, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग का ये जो इशू है, जो एक तो स्टूडेंट्स को आ रहा था कि पोस्ट उनसे एडजस्ट नहीं हो रही थी इमेज इस फ्रेम में, वो आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा, राइट। तो हम आगे चल जी, आपको जो पिक्चर्स हैं वो आप सर्च करेंगे अपने पास जो इसकी गैलरी है कैनवा के अंदर ही, ओके, उसमें से आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। और आप वो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, वो हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं कि हमारे स्नैरियो में हम ये समझते हैं कि हमें उसने कहा कि यार हम लोग ना जो पोस्ट हायर कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हायर कर रहे हैं जी, क्या आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकती हैं। तो हमारे पास कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हम हायर कर रहे हैं और हमारे पास जो डिज़ाइन है थीम जो है हो गई है पिक्चर, ओके फाइन गुड, हो गई आपकी जस्ट पिक्चर। तो हम आगे चलते हैं, अब हमारे स्नैरियो ये है कि हमें हमारे बॉस ने कहा है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट ने कहा है कि हमने जो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हायर करने हैं ना, वो पांच हमारे पास पोजीशंस हैं जो हम हायर करना चाहते हैं, ठीक है। फाइव पोजीशन मीन्स फाइव हमने कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हायर करने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसको मेंशन कर दें अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हम ऐड करेंगे अपना एक और टेक्स्ट ताकि हम ये डिफाइन कर सकें कि हम कितनी जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल है। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइव, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका रिसाइज कर लेता हूँ और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरी सब हेडिंग है तो हम इसको मेन हेडिंग से थोड़ा सा साइज इसका स्मॉल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि फाइव, ठीक है, और नीचे मैं लिख दूँगा कि ये क्या फाइव क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमारे ये चीज़ डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो कितनी है। और मैं इसको अब इस कंटेंट को मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा इसके साथ ताकि ये एडजस्ट करके बता सके कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन जो पोस्ट है ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मैसेजेस दे रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, सडनली आप एक पोस्ट देखते हैं, ठीक है। अभी आपने पोस्ट को रीड नहीं किया, ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक तो इमेज देखते साथ ही दो चीज़ें आपकी आईज को फौरन जो है ना अट्रैक्ट करेंगी और आपके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, एक उसकी इमेज एक उसका कलर एंड देन हेडिंग, ओके। आप इमेज से देखेंगे आपको फौरन अंदाज़ा हो जाएगा, इवन अगर आप पोस्ट का जब इसके मैंने एग्जांपल आपको इसलिए भी दी थी जब आपने, रेहान आपको आवाज़ नहीं आ रही लेकिन सबको आ रही आई थिंक, राइट, आप प्लीज़ अपना स्पीकर चेक कर सकते हैं, बाकियों को आ रही है ना आवाज़, ओके। तो जी ओके गुड, तो अब हम इसको आगे चलते हैं कि हमने जैसे कि ये देखा तो हमें पता चला कि हम लोगों ने एक हमारे पास सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे कि आपको डिफरेंट पोस्ट आती हैं जो कि हायरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब ये जो पोस्ट है ये आपको देखते साथ बता रही है कि हम एक हायर कर रही है कंपनी, क्या हायर कर रही है जी, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ओके जी फाइन। अब आपके थर्ड जो क्वेश्चन आना था जी, कितने इन्होंने हायर करने हैं, आपने उसका आंसर भी कर दिया अपनी पोस्ट में जी, वी हैव फाइव नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल राइट नाउ, ओके। अब इसके अंदर कुछ चीज़ मिसिंग है और वो मिसिंग ये है कि अगर मैं पर्सन हूँ, मैंने देखा और मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एज एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करूँ, तो मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कोई प्रोसीजर तो लिखाओ, ठीक है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं इनसे ये कहूँगा कि आप अपनी जो सीवी है वो हमें सेंड करें हमारे ईमेल पे, ठीक है। उसके लिए मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और देखते हैं हम उसको कैसे एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, कहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन, ठीक है, एट द रेट, या हम ऐसे लिख सकते हैं
इंटरेस्टेड, बल्कि मैं लिखूँगा यहाँ पर जॉइन एट द रेट mail.com फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो भी कंपनी की ईमेल होगी हम उसके ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी कहती है कि कॉन्टैक्ट अस एट द रेट ई मेल, वट एवर जो भी आपको की कंपनी की ईमेल होगी आप वो ईमेल यहाँ मैंशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी की ईमेल होगी कि जी उन्होंने कॉन्टैक्ट कहाँ पर करना है। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया बैकग्राउंड, इसके ऊपर सेलेक्ट। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर के अंदर हम लोग कैसे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना उसका बैकग्राउंड कलर को एडजस्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से जाकर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ कि जो थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन इस पे देखे और इसको पढ़े तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जी, मैं आपको बैकग्राउंड का बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसामा। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या चीज़ें एडजस्ट की हैं, बैकग्राउंड कैसे आया। ओके, आपने इसका बैकग्राउंड टाइटल के पीछे कैसे लगाया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे ही आपने इसके ऊपर हमने एक टेक्स्ट ऐड किया, राइट, जैसे कि एडिट टेक्स्ट, जैसे ही हमने एडिट टेक्स्ट कर लिया हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं इफेक्ट्स पे गया, मैंने इफेक्ट्स पे क्लिक किया। ओके, यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपके पास बैकग्राउंड की ऑप्शन आ रही है। ओके, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक था, हमने उसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो यहाँ पर ये कलर आ रहा था। ठीक है, इस कलर को मैं सेलेक्ट करके कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ, और मैंने वो कलर ग्रीन कर दिया। हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, वो ये कि मैं इसको कुछ थोड़ा स्प्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि आप इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं वो कि उस पर ब्राउडर रेडियस अप्लाई हुआ हुआ राउंडनेस, जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्केयर फॉर्म में आ गया। ठीक है, जो कि हमारी आइज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। सो हमें बिल्कुल शार्प उसके कॉर्नर्स नहीं रखने, बल्कि हमें उसको थोड़ा सा रेडियस प्रोवाइड करना है राउंडनेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे राइट, यू कैन से 24, आई थिंक इट वुड बी फाइन, जो कि ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। लेकिन हम इसको अगर ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम इसको 50 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और वो आपको, उसने आपको थोड़ी सी जो राउंड शेप में उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और इसी तरह आपके पास, इसके पास जो इसकी ये स्प्रेड कितना होना चाहिए, लाइक ये देखें उसने कॉन्टैक्ट कितना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया, और अगर आप स्प्रेड नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा तो हमें उसकी स्प्रेड चाहिए ताकि वो उसके ऊपर विजिबली प्यारा लगे। ठीक है, और अब आपके पास ये एक विजिबल भी है, थोड़ा सा ये बेहतर भी है, और आपके पास स्क्रीन के ऊपर जी आपके क्वेश्चन भी, मैं साथ देख लेता हूँ, ईमेल लिखनी है या के लिए सब हेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने जी, आप इसमें से टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैंने बेसिकली पहले टेक्स्ट ही किया था। ठीक है, और टेक्स्ट करने के बाद मैंने उसको बोल्ड किया ताकि वो हमारे पास, हमने जो स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी उसकी अपेयरेंस को बोल्ड इसलिए किया कि हम चाहते थे कि उसकी अपेयरेंस पे जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा क्रिएट हो। ठीक है, तो मैंने उसको बोल्ड कर लिया। ठीक है, और उसको मैंने जब बोल्ड किया तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो गया। अगर मैं इसके साथ फॉन्ट साइज को मैं चेंज करना चाह रहा था, अगर वो मुझे, तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे ही मैं अगर इसके ऊपर सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ फॉन्ट साइजेस मिल जाएं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ फॉन्ट्स लोड कर रहा है, शायद थोड़ा सा ये मेरे इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम इसको, मैं आपको जो बता रहा हूँ और जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी जो मेन एसेंस है वो ये है कि हम लोगों ने कैसे, किस तरह अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो तो आप मल्टीपल कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद था मैं आपको एक सेंस क्रिएट करके दूँ, एक तरीकाकार बताऊँ कि कैसे हम कर सकते हैं और हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपने यही वाली सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है आपने देखी होगी, और अब आपने खुद भी देखा कि आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हम लोगों ने एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए
हमने क्या कुछ किया इसमें, हम मल्टीपल वेज हैं कि हम इसके ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं। वो सेम एज द केस आपको उस तरह की आपको एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने ये जो अपनी पहले असाइनमेंट्स बनाई तो सबके आप सबके पास टूल सेम था, ठीक है, लेकिन आप सब ने हर किसी ने अपना डिज़ाइन बनाया, ठीक है, हर किसी के पास जो एसेट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है, हर किसी के पास टूल सेम था लेकिन हर किसी ने डिज़ाइन डिफरेंट बनाया। तो यही डिज़ाइनिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी इस फील्ड की यही है, ठीक है, कि आप लोगों के पास आप सब खुद क्रिएटिव माइंड्स हैं, ठीक है, आपने अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करनी है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, आप कैसे नए नए तरीक़ों से बेहतर तरीके से आप चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, आप कल को कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, आप इस इमेज को सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं, आप इस फ्रेम को राइट पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है, समझनी है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ पैटर्न्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मोस्टली आपने जितनी भी इमेजेस देखी होंगी, अगर हमने इमेज के ऊपर कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करनी है और हम उसके ऊपर जैसे कि अभी एक फ्रेम है इसके ऊपर एक इमेज लगी हुई है, तो हम मोस्टली राइट साइड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं जो कि आपकी हमारे यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, ठीक है, हमने उस चीज़ को भी फॉलो करना होता है। लेकिन यह है कि उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा आपके पास क्रिएटिविटी की वेज़ हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें उनका फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें सोशल मीडिया उनके जो अकाउंट्स है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने अभी इसलिए रखा है लिमिटेड टू दिस ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये हमने कैसे किया, ठीक है, और हम इसके अंदर अभी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि हम आगे करेंगे भी, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको इसमें ये दिया कि हमने जब कस्टमर से जब इन यूज़र से इनपुट लेना होता है, हम कुछ चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी इनपुट लेनी है लोगों से और हमें क्या मेन काम टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब मैंने ये मेरा इसका मकसद ये था कि हम लोगों ने हमें हमने उनको बता दिया जी हम हायरिंग कर रहे हैं, नंबर वन। सेकेंड इज़ क्या चीज़ हायर कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं जी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो जैसे आप इसको फॉलो करें और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमने उसको अपना मैसेज देना था कि हम लोगों कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जिस पे हम हायर कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगी कि हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, मैं आपको इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल साइंस बता सकता हूँ। वो ये है कि अगर आप कंपनी में लार्ज स्केल नंबर पर वैकेंसीज आपके पास हैं अवेलेबल, तो आप उसको पोस्ट करके वक्त अपनी पोस्ट पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है जी मेरे पास 20 पोस्ट अवेलेबल हैं, 20 पोस्ट अवेलेबल हैं, या 14 पोस्ट अवेलेबल हैं, 15 10 पोस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि जी हमारे पास, या जैसे कि अगर आपने लार्ज कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहते हैं जी हमारे पास 50 जो है कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपका कस्टमर जब आपका यूज़र आपके पास देखेगा ना आपकी पोस्ट, तो उसको अंदाज़ा होगा कि यार ये कंपनी कितनी बड़ी है और इस कंपनी का जो ये अभी करेंटली जिस फेज़ में हायरिंग कर रहे हैं इनका कितना बड़ा बजट है, ठीक है, और वो कितनी बड़े नंबर पर जो है हायरिंग कर रहे हैं लोगों की। तो उन अपना ये मैसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने यूज़र को जो देख रहा है आम इंसान को जिस आप चाहते हैं कि आप अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, आप वो नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंपैरेटिवली एक या दो या तीन आपके पास सिर्फ वैकेंसीज हैं आप जो जिस पे आप अपनी हायरिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको ये रिकमेंडेड है कि आप उसको वहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम है, ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं जी लिमिटेड जी आप ये लिख सकते हैं लेकिन आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये लिखते हैं कि जी लिमिटेड वैकेंसीज आर अवेलेबल, ठीक है। ईमेल की जैसे बाउंड्री आपने उन्हें वो कैसे होगी, ईमेल की हमने बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री नहीं, बेसिकली हमने उसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है। वो बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई किया मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने वहाँ से जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे करके दिखा देता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सेम एज द केस मैंने ईमेल पे किया, मैं क्या करूँगा, मैंने इसको इफेक्ट्स पे क्लिक किया, राइट, और मैंने इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड की इमेज ऑप्शन थी, मैंने जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसने मेरा उसके पीछे आप देखेंगे कि उसने एक बैकग्राउंड कलर उसको दे दिया, ठीक है, जो कि बाई डिफॉल्ट ब्लैक था।
अब सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमने इसका कलर कैसे चेंज किया। मैं अगेन इस पर सेलेक्ट करूंगा, मेरे पास इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, मैं दोबारा बैकग्राउंड पे जाऊंगा और मैं जैसे ही इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है। मैंने इसको चेंज किया, और मैंने इसको चेंज कैसे किया कि मैं चाहता था कि मैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे एरिया में अपनी पिक्चर में डिज़ाइन, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि मैंने इसको ये कलर दे, तो उसने, मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया उसने वो वाला कलर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैंने कैसे नंबर ऑफ जो ईमेल है उसको किया। जी राइट, व्हेन वी सेलेक्ट अ पिक्चर फॉर डिज़ाइनिंग कैन वी फर्दर एडिट इट। जी आप पिक्चर जो हैं आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाकर देखेंगे कि आप एक पिक्चर कैसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, अब मेरा ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा आउट हो जाएगा उससे, लेकिन ये कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि हम इसमें पिक्चर कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक पिक्चर चूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल पीछे उसकी बैकग्राउंड पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड से वो इमेजेस रिमूव हो जाएं, ठीक है, तो इसमें ये भी ऑप्शन है कि हम इमेज को एडिट करते हुए जो हम इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं हम उसकी पहले बैकग्राउंड रिमूव कर लें, ठीक है, देन हम उसको डिज़ाइन में यूज़ कर लें। ओके, सो ये भी अवेलेबल है ऑप्शन हमारे पास, और हम इसको आगे जाकर देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज देखा है कि हम लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या साइंस अप्लाई होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि आपने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको रखने का क्या रीज़न है, कैसे आपने रखनी है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल साइंस क्या है। साइकोलॉजिकली डिज़ाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप क्योंकि आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहे होंगे, ठीक है, आप सिर्फ देखें, आप सिर्फ आपके पास जो हम इसको लास्ट वीक में भी बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, ठीक है, आफ्टर राइट दिस हमने पिक गूगल से लिया है तो ऐड करें तो वो कैसे करेंगे। ओके, हम इसको भी देख लेते हैं गूगल से हम पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं गया मैं गूगल पे और मैंने लिखा यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, और मैं चाहता था कि यहाँ से मैं कोई इमेज ले लूँ, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इस इमेज पर क्लिक कर दिया। और वैसे ही मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने गूगल की इमेजेस यूज़ नहीं करनी, बिकॉज़ ये कॉपीराइट इमेजेस होती हैं, ठीक है, और आप जब कोई यहाँ से इमेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं इसको अगर डाउनलोड कर लूँगा, सो सेव इमेजेस, ओके, और अगर मैं इसको इमेज को सेव कर लेता हूँ ये मेरे पास सेव हो जाएगी, और अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो अब मैंने सेव कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज सेव कर ली अपने पास, और अब मैं इसको अपने पास अपलोड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ और मैं इसको अपलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग पे ले जाएगा कि मेरे पास डाउनलोड्स में क्या चीज़ें पड़ी हैं। सो आई डोंट नो क्या कुछ होगा, बट आप इसमें यहाँ से ना, हमने जो हमारे पास इमेज होगी मैं उसको दोबारा किसी सेपरेट जगह पर सेव कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो अवेलेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेरे मैं गूगल वाली गूगल पे आया, मैंने कस्टमर सपोर्ट लिखा और मैं एक इमेज फॉर एग्जांपल इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये पहले भी बता रहा था कि आपने, मैं ये इसको हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉपीराइट इमेजेस होते हैं जो कि बहुत बाद में आगे जाकर मसला करते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है और आपने इसको हमेशा जो वो चीज़ें यूज़ करनी है जो फ्री अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जो कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस जिसे हम कहते हैं, ताकि आपकी जो इमेजेस हैं वो कॉपीराइट फ्री हों, ठीक है, और आप लोगों को मसला ना हो कोई भी। तो हम इसको इमेज को हम सेव कर लेते हैं अपने पास और वो हमारे पास सेव हो गई है। ठीक है, तो अब हमने कोई भी चीज़ अगर है उसको ऐड करना है अपने पास, इमेजेस को अपलोड करना है, तो हम जैसे ही यहाँ से उसको अपलोड करके अपने पास जो भी कोई इमेज होगी उसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं बाबा जी की इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम यहाँ से अगर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास गैलरी में यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो वो पेज जो है बेसिकली इसको रीलोड कर देगा और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इमेज की फॉर्म में, तो हमारे पास इस तरह अपलोड इमेज हो जाती है। अभी मेरे पास ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा इशू कर रहा होगा, तो आप इस तरह अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती हैं। ठीक है, ये जो अपलोड किया आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास है वहाँ से आप उसके पास, ओके गॉट इट, तो आप इसको अपने पास से एडिट करके
और इस तरह आप अपने कास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो डिज़ाइन था, ठीक है, आपने देखा है कि वो जो मेरे पास डिज़ाइन था उसके अंदर और इसके अंदर कुछ डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस ये है कि हमने उसके अंदर कुछ फ़ॉन्ट साइज़ को अप्लाई किया और फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किया, जिसकी वजह से अब आप उसके डिज़ाइन का इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो कि एज़ कम्पेयर टू पहले से हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अब डिज़ाइन है, ये जो पोस्ट है, आपको देखते साथ क्या आपके माइंड में इमेज आता है। लेट मी इसको मैं एक लार्ज स्क्रीन पे कर लूँ ताकि आपको वो ज़्यादा विजिबली हो जाए और आप इसको देख के इसके बारे में मेरे साथ बात कर सकें। आपके पास डिज़ाइन शो हो रहा है सबके पास स्क्रीन पे? आप सबके पास डिज़ाइन शो हो रहा होगा, राइट जी। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये कितना अट्रैक्टिव है देखने में। पहले तो आप मुझे ये बताएं क्या ये अट्रैक्टिव है या नहीं, पहले आप ये बताएं। तो ओके, तो आप इसको अब इस तरह देखें, आपने इसको इस तरह सोचना है कि आप एक स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, ठीक है, और आप करेंटली एक पेज से, एक अकाउंट से इसको अपलोड हुआ हुआ देखते हैं, ठीक है। तो अब कंपनी देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपने कंपनी नहीं देखी हुई, ठीक है, ना ही हम कंपनी देखते हैं, क्योंकि हमें तो कंपनी का पता नहीं होता। कंपनी की सारी अपेयरेंस डिपेंड करती है कहाँ पर, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, ठीक है, उसकी अपेयरेंस के ऊपर। ये कंपनी चाहे जितनी मर्जी जैसी मर्जी हो पीछे से, ठीक है, मतलब एक छोटे से कमरे में बेशक कंपनी हो, कॉल सेंटर हो छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसकी ये जो इमेज है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है ना उसको, इसकी जो वो जो आपके माइंड में इमेज क्रिएट कर रही है वो एक बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो कंपनीज इसलिए आप लोगों को पे करेंगी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ कैनवा डिज़ाइनर, आपको इसलिए पे करेंगी कि आप उनको एक ऐसी फील, ऐसी प्रेजेंस देते हो जो कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। लाइक मैं आपको एक शॉर्ट नॉर्मल स्केल्स पे बात करूं, जो नीचे स्केल पे जितनी भी कंपनीज होती हैं, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, वो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं, इतनी इतनी कमाल, और जब आप उनको रियल टाइम जाकर देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि यार ऑल दो इट इज़ फाइन, लेकिन ये इनकी जो डिज़ाइनर है ना, उसने वो पोस्ट बहुत अच्छी डिज़ाइन की थी, ठीक है। अब मैं सेम एज एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसका एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है, लेकिन अगर उनके डिज़ाइनर ने जो पोस्ट अपलोड की है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया मैनेजर ने जो उनके पोस्ट डिज़ाइन करके अपलोड की है, अगर वो अट्रैक्टिव ना हो, तो आप मुझे ये बताएं क्या आप उसके लिए अप्लाई करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को माइंड के ऊपर वो चीज़ ही इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी कि ये जो जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कंपनी जो है वो कैसी है, बिकॉज उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना आपके माइंड पे, उस इमेज ने बनाना है जो कि आप देख रहे हैं, जो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए आप लोग एज अ सोशल मीडिया जब मैनेजर आपने काम करना है, आपने अपने माइंड को ग्रो करना है, ठीक है, और आपने जो हम डिज़ाइन कर सकें जी। मैं आप लोगों को मैं अभी यही बताने लगा हूँ कि आप सब ने जो आपकी आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है सबने, ठीक है, जो कि हायरिंग के लिए होगी। हमने कंपनी आपने ऐसे सोचना है कि आपने ये नहीं सोचना कि आप डिज़ाइन, मतलब आप इस वक्त कोई क्लास में असाइनमेंट कर रहे हैं, आपने उसको रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ सोचें। ये सब कुछ हम रियल टाइम एग्जाम्पल सिनेरियोज में ही कर रहे हैं, और मैं आपको इसलिए जो मैंने ये जो कोर्स पूरा आउटलाइन इसकी तैयार की हुई है वो बिल्कुल ऐसे ही की हुई है जैसे कि हम रियल टाइम सिनेरियोज में काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सेम एज अ केस ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हमने शुरू में पैलेस्टाइन के लिए बनाई, हम आगे भी बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो और भी हमारे पास काम है, ठीक है, जो हमने साथ साथ लेके चलने हैं, तो हमने उन चीज़ों को भी सीखना है, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं ना, हमारे बहन भाइयों को भी, अगर हमने पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करना है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम एड की है, ठीक है ना। तो हमारे पास एड, जब हम पैसा कमाएंगे, पैसा होगा तभी एड करेंगे ना उनकी। तो आपके पास हर लिहाज से आपने अपने आप को एम्पावर करना है, ठीक है, उनकी सपोर्ट के लिए भी, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी, उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए भी, उनके लिए फिजिकल सपोर्ट के लिए भी, हर तरह से, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो किसी को सपोर्ट करेंगे ना, ठीक है।
तो उसके लिए आप लोगों को सारी बात है, हम सबको जॉब करनी है, और वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हमने रिस्क तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तलाश करना ही है, रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन हमने तो जाना है ना, हमने तो काम करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने, अब हमने रियल टाइम सिनेरियोस पे भी काम करना है साथ साथ, जिसके लिए अब आप देख सकते हैं कि हमने आप सबकी जो अब असाइनमेंट है आज की, वो ये है कि हम सब ने, आप सब ने ऐसा सोचना है कि आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे समझ लें, ठीक है, मैं आपका क्लाइंट कह लें मुझे आप, ठीक है, मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैंने आपको कहा है कि जी सोशल मीडिया पे आप मेरे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं साहब, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि जी मैंने हायरिंग करनी है, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी डेडिकेट ले लें पोस्ट, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट ले लें, या आपको जो भी पसंद आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट पे बनाएं, ठीक है, आप सब अपनी अपनी कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर पे बना ले, कोई डिज़ाइनर्स पे बना ले, कोई किसी किसी भी चीज़ पे आप बना लें, ठीक है, सब अपने अपने डिफिकल्ट डिफरेंट पे बनाएं, ठीक है, डिफरेंट वेज में बनाएं, डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं, डिफरेंट अपने उसके ऊपर आप साइंस डिज़ाइन जो है आप अपना माइंड में बनाना चाहते हैं उसको बनाएं, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे कल क्लास से पहले जिस तरह आज किया, आप लोगों ने मुझे शेयर कर देनी है, ठीक है, 6 बजे के करीब मैं आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको ऑन कर दूंगा और आप मेरे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप सब ने डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपने अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब आपको टूल यूज़ करना आ गया, अब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं पहले भी, और आई रियली इम्प्रेस और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। तो इंशाल्लाह आप लोग आगे भी करेंगे, और इस चीज़ को अब आपने ऐसे लेना है कि आप एक जॉब पे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या आप ऐसे समझ लें आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको कहा है जी मुझे हर तरह के शोबे में, हर तरह के प्रोफेशन में, हर तरह के डेजिग्नेशन में मुझे हायरिंग चाहिए, और मेरे पास जो है ना हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी कैटेगरी की, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ 25 है, ठीक है, मैं कहूँगा जी मुझे कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट भी 25 चाहिए, ठीक है, मुझे डिज़ाइनर्स भी चाहिए, मुझे डेवलपर्स भी चाहिए, मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी चाहिए, मुझे मैनेजर्स भी चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेटर्स भी चाहिए, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ टाइटल्स जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मुझे डिज़ाइन करके कल दिखाते हैं कि जी मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ कि यार कि हाँ यार ये चीज़ अपलोड हो जानी चाहिए हमारे सोशल मीडिया पे, और वो आपने ऐसे बनानी है कि वो देख कर अट्रैक्टिव हो और कंपनी का इमेज आपके हाथ में है, ठीक है ना, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका इमेज आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, आप जो पोस्ट करेंगे, आप जो दिखाना चाहते हैं लोगों को, उन्होंने आपकी नज़र से देखना है, ठीक है, आपने जो बना के दिया है ना उनको वही नज़र आ रहा है, आप बेशक कंपनी में लड़ रहे हैं, आपका अपनी कंपनी के साथ कोई मसला चल रहा है, वो उनको नहीं पता है, ठीक है, आपकी कंपनी किराया दे रही है नहीं दे रही है, आपकी कंपनी कितने किराए पर देती है, कितना उनका एरिया कितना है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो चीज़ बाद में है, जब हम घर में बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या इम्पेक्ट होता है हमारे पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन भी नासिर या निसार ने कहा है, आप लोगों ने बनानी है एक सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, जो कि क्या करेगी, हायरिंग के लिए होगी, और हायरिंग आप सब ने अपने अपने लिहाज से आप जिसको भी हायर करना चाहते हैं आपने करना है, ठीक है, वो आपने टाइटल एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैंने कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट किया, अपने अपने केस में एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ भी कर लेना है, उसी तरह रेलिवेंट उसमें इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बात कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिज़ाइन में आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने डिज़ाइन अवेलेबल है, कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट, कोई भी टेक्स्ट आपने अप्लाई अगर करना भी है किसी इमेज के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर ओवरले इस तरह आपने करना है कि डिज़ाइन की विजिबिलिटी, जो इस टेक्स्ट की विजिबिलिटी है ना, रीडेबिलिटी, वो ख़राब ना हो, ठीक है, बेशक आप ओवरले करें या कुछ भी करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका मैसेज आगे डिलीवर होना, ठीक है। और उसके लिए आप, जैसे कि हमारी ये पोस्ट है, अगर मैं इसके पीछे 100 इमेज लगा दूं और मैं ऊपर हायरिंग भी लिख दूं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जैसे कि ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आपने इस चीज़ को देखना है कि जो वाइड स्पेस है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पेस जो है बेसिकली, उसकी भी हमारी जो डिज़ाइन में ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है उसकी डिज़ाइन में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ को लेके चलना होता है, वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो हमारी आंखों को तंग करे, ठीक है। डिज़ाइन कभी भी डिज़ाइन में एक्स्ट्रा इमेजेस यूज़ नहीं कर लेते, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, एक इमेज, वन इमेज इज़ इनफ फॉर वन डिज़ाइन, ठीक है,
मैक्सिमम एक, मिनिमम एक डिज़ाइन या एक इमेज काफ़ी है, ठीक है, मैक्सिमम दो, ठीक है। और उसका भी वो कोई ऐसा सिनेरियो आप बना रहे हो जिसमें वो खूबसूरत लग रहा हो, ठीक है, डिज़ाइन, और आपके उसके यूज़ करने के बाद आपके पास जो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी है वो भी हर्ट ना हो रही हो, ओके, इट आई विल गो फाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन आपने कभी भी इमेजेस को ज़्यादा यूज़ करने के चक्कर में आपने अपने डिज़ाइन को ख़राब नहीं करना या उसकी रीडेबिलिटी को ख़राब नहीं करना, ठीक है। सो ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छा और एक ग्रूमिंग पॉइंट है राइट नाउ कि आप लोग डिज़ाइन भी माशाल्लाह बना रहे हैं, और आज आप कल आप एक रियल टाइम डिज़ाइन बनाएंगे जो कि आप मुझे सेंड करेंगे, जो कि हायरिंग के लिए होगा, और आप सबको आई थिंक क्लियर हो गया असाइनमेंट आपकी कल की क्या असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो आप सबने इंशाल्लाह, और आपकी सेकंड बात वो जो हम कैनवा वाली है सब्सक्रिप्शन वाली, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी ग्रुप में, ठीक है, और इंशाल्लाह वो भी आपका कल तक हो जाएगा सिस्टम उसको, तो आप लोग अपने डिज़ाइन को प्रॉपरली एज अ प्रो डिज़ाइनर लेके चलेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके पास अभी आज हमारी 5th क्लास है एंड वी हैव सम मोर सेशंस राइट नाउ, तो इंशाल्लाह आपके पास अभी सेशन हैं काफ़ी, तो आपके एंड तक आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी बन जाएंगे, ठीक है। और आगे जाकर हम देखेंगे कि हम लोग अभी, आज मैंने आप लोगों को हायरिंग के लिए बनाया है, कल हम लोग एक फूड जो है बेसिकली, ठीक है ना, फूड की जो इंडस्ट्री है, हम फूड इंडस्ट्री को लेते हुए हम लोग फूड इंडस्ट्री की पोस्ट बनाएंगे कल, ठीक है, और आप उसको देखेंगे कि हम लोग कितनी अच्छी पोस्ट मतलब बनाते हैं, और फिर आप लोग उसको बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे, फूड इंडस्ट्री को भी कवर करेंगे, उसके बाद हम हर तरह की मेडिकल इंडस्ट्री को भी कवर करेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री को भी कवर करेंगे, ताकि आप लोग के पास हर तरह के एग्जाम्पल डिज़ाइंस आप लोग बना लें, ठीक है, मेरे साथ। और फिर जब आप खुद बनाना चाहें और जब आपको आगे असाइनमेंट मिलेगी इन द 3rd वीक, आपको एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि आप फेसबुक पे कम्पेन्स रन करते हैं, ठीक है, वो फेसबुक पे आप जब कम्पेन्स रन करते हैं तो आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए होती हैं, वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, फेसबुक एड्स जब आप रन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह आगे आगे देखेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डे बाई डे, हम ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा पर डे हम लोग काफ़ी उसमें चीज़ों को लर्न करे होंगे, और आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू, और जो लोग नहीं अभी तक कर सके वो भी काइंडली अपना अपना कुछ ना कुछ जो टाइम है उसको दें यहाँ पर, ताकि आप लोग कुछ सीखें, ठीक है, हमारा मकसद यही है कि आप लोग कुछ सीखें, ठीक है, और आप खुद भी फिनंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद अपनी कम्युनिटी जो हमारी एज अ मुस्लिम है उनको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, चाहे किसी के कोई मसला मसाइल है, कोई परेशानी है, उनको आप हेल्प आउट कर सकें, ठीक है, तो वो इसलिए होगा जब आप खुद फिनंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है, अगर मैं खुद फिनंशियली स्टेबल नहीं हूँ, अगर मेरे पास कोई भी शख्स आता है मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं खुद फिनंशियली स्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है आप पहले खुद एम्पावर हों हर लिहाज से, ठीक है ना, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को जो झोला डालते हैं ये सारे, ठीक है ना, फलां फलां औरत मार्च इस तरह का ग्रुप, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ये है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इस्लाम, जो इस्लाम पसंद लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि आप लोग जब ये सीख लेंगे आप घर बैठ कर भी काम कर सकती हैं, ठीक है, जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया मैनेजर्स आप रिमोटली काम करते हैं घर बैठ कर, ठीक है, आप फ्रीलांस पे काम कर सकती हैं घर बैठ कर, ठीक है, एज अ कैनवा डिज़ाइनर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी, मिनिमम जो ऑर्डर है वो $5 से स्टार्ट होता है, उससे नीचे आप कर नहीं सकते, ठीक है, पर और $5, अब आप खुद समझें, लेकिन मैं आपको कोई बाग फिर एड नहीं दिखा रहा, लेकिन ये सिर्फ ये रियलिटीज़ हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, और आप इसमें खुद आपने अपने आप को एम्पावर करना है, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, आप लोगों को कहीं भी मसला आए, किसी भी वक्त मसला आए, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है, और हमारा मकसद ये है कि आप लोग को एम्पावर करना, ठीक है, और हमने ये बताना है कि हम इस्लाम, जो इस्लाम पसंद लोग हैं ना, जो इस्लाम को पसंद करते हैं वही एक्चुअली आपको एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप लोग चीज़ें सीखें, स्किल सीखें, ठीक है, और उस स्किल के साथ अपना काम करें, ठीक है, इस्लाम आपको काम से नहीं, सिर्फ इस चीज़ से रोकता है कि आप लोग जो उसमें मामलात हैं उन चीज़ों को जो हैं उनको देखें, ठीक है, आप अच्छे से अच्छा काम करें, रिमोटली काम करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह आप लोग माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन करें, अच्छा काम करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है माशाल्लाह आप लोग यहाँ से जब फ्री होंगे आफ्टर 15 डेज़, सो आप लोग खुद प्राउडली अपने आप को भी
प्राउडली कह सकेंगे कि हमने जो ये 15 डेज दिए हैं, इट वुड बी द लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, लाइफ चेंजिंग डेज, ठीक है? और उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने आप को खुद सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने पोर्टफोलियोज़ बनाएंगे, ठीक है? आपके हाथ में सब कुछ डिज़ाइन है, टूल आपको सिखा रहे हैं। आप देखें, डिज़ाइनिंग का एक और फ़ायदा ये है कि मैं आपको ये लास्ट वीक में भी मैं आपको सारी चीज़ें खुद दोबारा डेडिकेटेडली हम इस पर सेशन करेंगे कि हमने कैसे क्लाइंट्स को, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे क्लाइंट को दिखाना है, ठीक है? क्लाइंट को क्या दिखाना है, ठीक है? ये आप जितने डिज़ाइन बना रहे हैं ना, ये एट द एंड हमारे पास सेव ही हो रहे हैं ना, तो आप ये सब आपकी गैलरी में प्रॉपर सेव रखेंगे। आप दिखाएंगे कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या एग्जाम्पल डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो आप इस लिहाज से डिज़ाइन बनाएं कि आप सिर्फ मुझे नहीं सेंड कर रहे, आपने इनको इस तरह के डिज़ाइन बनाएं जो कि आप कल को किसी और को भी दिखा सकें, शोकेस कर सकें, ठीक है? तो वो इनशाला विद इन अ वीक आप इनशाला ऐसे डिज़ाइन बना रहे होंगे जो कि आप शोकेस के लिए भी अपने पास रख रहे होंगे, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के लिए। सो उम्मीद है इनशाला आज का हम जो क्लास है उसको एंड करते हैं, और उम्मीद है आप सबको जो असाइनमेंट्स हैं वो समझ आ चुकी होंगी, और आप मुझे कल क्लास से पहले असाइनमेंट सब सेंड कर देंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो बहन भाई हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हुजूर की इज्जत व नामूस और आपकी खत्मे नबूवत की पहरेदारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। सो थैंक यू एवरीवन, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।